निशांत, मतलब यार निशांत एक ऐसा बंदा है जो दूसरों को उकसाता है और खुद फुटेज ले लेता है। ऐसे हो रहा है जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि वो निशांत ने प्रतीक को दिलाई है वीआईपी जोन में एंट्री, लेकिन उनके बाद उन्हें ही उकसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओ चौधरी ऐसा मत चला कर मेरे सामने, ऐसा मत करा कर। मतलब वो चाहते हैं प्रतीक सेजपाल भड़के, और आपको पता है जब प्रतीक सेजपाल भड़कते हैं तो कैसे कैसे वर्ड यूज़ होते हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते ही हैं। इसी चीज़ को लेकर के सलमान भाई ने उन्हें चमकाया भी था, क्योंकि वो गंदे गंदे वर्ड यूज़ करते हैं। और निशांत भी यही चाहते हैं कि ये प्रतीक भड़के हैं, गंदे गंदे वर्ड यूज़ करें और इन्हें जेल में डाला जाए, गेम से आउट करा जाए इनकी, क्योंकि प्रतीक को जनता अच्छी खासी सपोर्ट कर रही है। वो सपोर्ट निशांत को ज़्यादा नहीं मिल रही, क्योंकि ये अपनी पागलपंतियों से जो करते हैं ना, वो छोटी बहू ये वगैरह वगैरह नाटक चलाते हैं, वो छोटी बहू वहू वगैरह वगैरह से अपनी फोटेज बढ़ाते हैं, जिससे थोड़े बहुत लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। इसी चीज़ को देख के वो जय भानुशाली कहते हैं कि तूने जो ना तेजस्वी के साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है, ऐसे नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो जब भी उमर रियाज आते हैं और उनके सामने निशांत से कहते हैं कि तू जो ना ऐसा है जैसे एक गेम, वो नहीं होता गेम का क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा, गेम प्ले जो भी होता है वहाँ पर सब बंदे गेम खेलते हैं, खूब मजे में खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं, लेकिन एक हार्ड स्टेट लेवल आती है जिस पर आप आउट हो जाते हैं। कह रहा तू भी बिल्कुल उसी की तरह, तू अभी खेलता खेलना है, बाद में मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था ऐसे ही गेम तेरा निकलेगा। तो तभी निशांत कहते हैं कि देखा जाएगा क्या होता है, तू भी ज़्यादा मत बोल, देखते हैं होगा या नहीं होगा। तभी जवानुशली कहते हैं कि अब मैंने बोलना छोड़ दिया है, मैं बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ, अब तू देख जैसे तुम लोगों ने गेम पलट रहे हो ऐसे हम भी पलटेंगे, तू एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। तो गाइस जय भानुशाली में से देखा जाए बंदा समझदार है, ईमानदार है बहुत ज़्यादा, वो धोखा नहीं देता किसी को भी, सोच समझ के नहीं खेलता उल्टा सीधा बोलता, लेकिन बहुत सही है, दूसरों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचता ज़रूर है। तो जय भानुशाली निशांत और प्रतीक की इन बहस पर आप लोगों की क्या राय है, ये हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए हमारे से ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर नए नए अपडेटों के लिए।